क्योंकि एम सीरीज में नहीं आता। अगर आपको इस बात से शॉक्ड हो कि 20,000 चार्ज कर रहे हैं M31s में नॉक्स नहीं दे रहे, तो मैं आपको बता दूं कि नॉक्स जो है वो सिक्योरिटी अभी तक एम सीरीज में नहीं आई हुई है। दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं एक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। M51 का बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं। हुआ क्या था रिसेंट में कि M31s लॉन्च हुआ था और बहुत सारे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्मार्टफोन अच्छा है लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसका चिपसेट जो कि है 9611 का, जो सब लोग जानते हैं कि बाद में इशू करना चालू करता है, एक साल में तो होने लगता है यार इसमें प्रॉब्लम। तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि M41 या M51 आएगा क्या। M51 रिसेंट टाइम में बहुत सारे सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हुआ था एंड पता चल रहा है कि ये जल्दी लॉन्च होने वाला है। उसी के बारे में सारी चीज बताने वाला हूं इस वीडियो में, मैं क्या पता चला अभी तक और क्या स्पेसिफिकेशन आने वाले, मोस्ट ऑफ द पता चल चुके हैं। दूसरी चीज, अभी Amazon Flipkart का सेल चल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैंने कहा था 1500 ऑफ होगा। मैंने वीडियो के स्टार्ट में क्लियर कहा था दोनों के कि आप 1000 भी डिस्काउंट हो सकता है, 1500 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, हम लोग 1500 लेके चलते हैं। तो क्लियर कर दूं कि फ्लिपकार्ट में सेल में जो ICICI और सिटी बैंक का कार्ड है उसके ऊपर सिर्फ आपको 1000 का डिस्काउंट है। अगर आप 20,000 के ऊपर का स्मार्टफोन लेते हो तो 1500 का डिस्काउंट होगा, ठीक है। एंड HDFC का डिस्काउंट जो कि अमेजोन पे है उस पे क्रेडिट कार्ड पे 1500 का डिस्काउंट है, लेकिन अगर आप डेबिट कार्ड लेते हो तो आपको सिर्फ 650 का डिस्काउंट होता है। ये क्लियर कर दो। और दूसरी चीज, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, मैं सारे आंसर देता हूं। आप समझ लीजिए मैं दिन भर में कम से कम 200 से 250 लोगों को हैंडल करता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो कोई क्वेरीज हो तो वहां पे आके पूछो। यूट्यूब पे क्या है ना कि इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि सबके आंसर दे नहीं पाता। स्टार्टिंग में कुछ लोगों के देता हूँ, कोशिश करता हूँ, बट सारे नहीं दे पाता मैं। तो अगर आपको जिनन कोई क्वेरी है तो आप आके इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलते हैं M51 की तरफ, क्या सारी चीजें हैं पता चली हैं सब बताऊंगा। पसंद आया कमेंट शेयर कर देना, नहीं पसंद है डिसलाइक कर देना, मुझे बता देना कि पसंद आया। दोस्तों लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले ये लिस्ट हुआ था Geekbench पे करीब करीब जून में। इसका जो मॉडल नंबर था वो था SMM515F और बताया गया था कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट आने वाला है। देन उसके बाद बैटरी के बारे में पता चला, देन उसके बाद फास्ट चार्जर के बारे में पता चला, ब्लूटूथ सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हुआ था, US के FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट हुआ था। तो ऐसे बहुत जगह पे लिस्ट हुआ है ये एंड जल्दी मिल सकता है आपको, ज्यादा दिन बाकी अभी नहीं है, बताऊंगा सारी चीजें। सबसे पहले बताएंगे, बात करेंगे डिस्प्ले डिजाइन से। तो कहा जा रहा है इसमें आपको 6.5 इंच का सुपर एमोलेड का पैनल आने वाला है। इस बार भी शायद आपको M31s की तरह अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर ना मिले, लेकिन इस बार पॉसिबली आपको HDR10 का सपोर्ट मिल सकता है। तो ये है, फुल HD+ का होगा, पंच होल होगा फ्रंट साइड में, तो सारी चीजें अच्छी होंगी, प्रॉब्लम नहीं होगा, देखने में अच्छा स्मार्टफोन होगा। रियर साइड पे पॉलीकार्बोनेट होगा, क्वाड कैमरा का सेटअप होगा, साइड माउंटेड ही फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, लेकिन M31s से थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा। अब वो देखने वाली बात होगी कैसा आता है, अभी कोई रिवील नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल उसका डिजाइन जो होगा वो M31s से अच्छा होगा। अब आते हैं परफॉर्मेंस में। जून में लिस्ट हुआ था Geekbench पे सेम यही मॉडल, जिसमें पता चला था कि इसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 का चिपसेट आने वाला है। मुझे मालूम है कि जिस प्राइस पे आएगा 22,000 से 25,000 के बीच में 675 जस्टिफाइड नहीं है उस प्राइस में, लेकिन एटलीस्ट आप ये समझ सकते हो कि आपको स्नैपड्रैगन का चिपसेट मिल रहा है सैमसंग की तरफ से, चलो अच्छी चीज है। ऑक्टाकोर का चिपसेट है, 2 कोर 2 GHz पर क्लॉक में, बाकी 6 कोर 1.8 GHz पे क्लॉक है। क्राइओ 460 वाले कोर्स हैं, 11 nm पे बेस्ड है, तो बैटरी एफिशिएंसी आपको कमाल की मिलने वाली है, 2 लाख के आसपास स्कोर मिल जाएगा अंतुतु का, तो 9611 से कहीं बेटर ही है। गेमिंग खेल लोगे, एड्रीनो 612 कुछ गेमिंग संभाल लेगा अच्छी खासी, हीटिंग के इश्यूज नहीं आएंगे, लैग ज्यादा नहीं आएंगे, आराम से 2-2.5 साल 3 साल यूज कर सकते हो, अच्छा है, प्रॉब्लम वहां पे नहीं है। एंड्रॉइड 10 के ऊपर आएगा जो कि 1 UI कोर वाले के ऊपर ही आएगा जो कि आपको M31s में मिलता है। तो ये सारी चीजें होंगी, परफॉर्मेंस अभी तक इतना पता चला है। कुछ एक लीक्स थे जो बता रहे थे कि इसमें 730 का चिपसेट आ सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जितने भी लीक्स हैं वो बता रहे हैं कि इसमें 675 का चिपसेट आएगा। कैमरा की माने तो गैजेट 360 का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि इसमें वही कैमरा सेटअप आएगा जो M31s में आया, यानी 64 MP का आपको प्राइमरी सोनी का सेंसर मिलने वाला है। अब वो IMX682 होगा, MX686 होगा, वो बात की बात होगी, लेकिन वही आने वाला है। देन उसके साथ साथ 12 MP का आपको अल्ट्रा वाइड सेंसर मिलेगा और 2 अलग सेंसर होंगे, एक बोके सेंसर होगा आपका डेप्थ सेंसर, दूसरा वाला आपका मैक्रो लेंस होगा। तो ये आपको मिलने वाले फीचर्स भी वैसे होंगे, कुछ अपग्रेड्स भी मिल सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सेम A to Z सारी चीजें मिली, जो मिली है उसमें वो तो मिलेंगी मिलेंगी, कुछ अपग्रेड भी आपको इसमें मिल सकता है। फ्रंट साइड में इसमें भी आपको 32 MP का कैमरा मिलेगा, इस बार सोनी का सेंसर मिल सकता है, जैसे रियर में दिया वैसे फ्रंट में, वहां से भी 4K कर सकते हो, सारी चीजें कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं आएगा।
जो फीचर्स आपको M31S में मिले हैं वो सारे यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। इसमें कैमराज 4K से लेके सब कुछ कर पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब आते हैं बैटरी में। अभी लिस्ट हुआ था बैटरी, इसमें 7000 mAh की बहुत बड़ी आने वाली है, यानी सबसे बड़ी बैटरी होगी अभी तक मेरे ख्याल से स्मार्टफोन्स में, सबसे बड़ी बैटरी इसी में आने वाली है। 25W का चार्जर होगा, ऑब्वियसली इतनी बड़ी बैटरी तो 25W का चार्जर आपको देना ही पड़ेगा। 7000 mAh की बैटरी के लिए 25W का चार्जर मतलब 4000 mAh की बैटरी के लिए समझ लो कम से कम 10 से 15W का चार्जर होगा, वही रेशियो है आपका, इससे ज्यादा नहीं। तो 25W तो देना ही पड़ेगा, अदरवाइज 10W 15W के चार्जर से चार्ज करोगे तो पूरी रात निकल जाएगी, बैटरी फुल चार्ज होगा ही नहीं। टाइप सी का पोर्ट आएगा, रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट होगा क्योंकि ऑलमोस्ट पावर बैंक ही है वो, तो आप किसी दूसरे स्मार्टफोन को चार्ज करना चाहते हो तो कर ही सकते हो। तो अच्छी खासी बैटरी मिलेगी, बहुत बड़ी, फास्ट चार्जर भी आपको ठीक ठाक मिलेगा। मुझे तो लगता है कि और भी देना चाहिए था, 40W तक जाना चाहिए था क्योंकि इतनी बड़ी बैटरी है, तो 25W बहुत अच्छा नहीं है उस चीज के लिए, नॉर्मल ही चार्जर है। सेंसर्स की बात करते हैं, सारे सेंसर्स होंगे। मेरे हिसाब से आपको अंडर डिस्प्ले नहीं मिलेगा, फिंगरप्रिंट स्कैनर साइड माउंटेड या रियर वाला होगा, ज्यादा पॉसिबिलिटी है, वो चेंज भी हो सकता है लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं है। एक्सेलेरोमीटर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी सेंसर, वो तो सारे आपको मिल जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट होगा, 3.5mm जैक होगा, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब आते हैं नॉक्स पे। मुझे अभी भी लग रहा है कि इसमें नॉक्स नहीं आएगा क्योंकि M सीरीज में नहीं आता। अगर आपको इस बात से शॉक्ड हो कि 20,000 चार्ज कर रहे हैं M31S में नॉक्स नहीं दे रहे, तो मैं आपको बता दूं कि नॉक्स जो है वो सिक्योरिटी अभी तक M सीरीज में नहीं आई हुई है, वो A सीरीज और फ्लैगशिप वालों के लिए है। तो आ गया तो अच्छी चीज है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं देंगे, लेकिन मुझे जहां तक पॉसिबिलिटी लग रही है कि इसमें भी नॉक्स सीरीज, शायद नॉक्स सिक्योरिटी जो है वो शायद न आए दोस्तों। अब आते हैं स्लॉट, डेडिकेटेड होगा, उसमें कोई इश्यूज नहीं है। दो सिम कार्ड के साथ एसडी कार्ड लगा सकते हो, 512 GB तक बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। वेरिएंट की बात करते हैं, इसमें बेस वेरिएंट मेरे हिसाब से 6128 वाला होगा, जिसकी प्राइस आपको 23,000 से 25,000 के बीच में, 23,000 से 25,000 के बीच में होगी। उसके बाद एक दो और वेरिएंट आएंगे तो जो उसके प्राइसेस होंगे, लेकिन बेस प्राइस जो होगा 23,000 से चालू होगा। सारे स्पेसिफिकेशंस आप देखेंगे, वो सारी चीजें जो लेकर आते हैं वो, एंड कुछ और अपग्रेड्स करते हैं, कुछ और चेंजेस करते हैं तो और अच्छी चीज है। जो चीजें मैंने बताई हैं, जो मुझे लिस्ट मिला है, जहां से लिस्टिंग हुई वहां से पता चला है, एंड कुछ आपको रिपोर्ट से बता रहा हूं, कुछ चीजें मैं अपनी तरफ से भी बता रहा हूं जो मेरे हिसाब से हो सकती हैं, देखेंगे जो होगा वैसे आपको बता दूंगा दोस्तों। तो ये स्मार्टफोन कहें तो मेरे हिसाब से लॉन्च की बात, लास्ट बहुत सारे लोग सोच रहे हैं लॉन्च नहीं बताया, ये आपको मेरे हिसाब से अगस्त के लास्ट वीक या फिर September 10th इस डेट के बीच में आपको मिल सकता है देखने के लिए। कहीं ना कहीं लॉन्च जरूर हो जाएगा, इंडिया में नहीं, एटलीस्ट कहीं ना कहीं, क्योंकि पहले तो यूएस के FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लॉन्च हुआ था, तो शायद वहां पे आपको पहले देखने को मिल जाए, लेकिन ये आपको कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिल जाएगा, और इंडिया में सेप्टेम्बर मंथ में ज्यादा चांसेस है स्मार्टफोन के आने के। तो अगर आपके हिसाब से ऐसा आता है M51 तो कैसा होगा जरूर बता देना, कैसा लगा वीडियो जरूर बता देना, आपके हिसाब से क्या चेंजेस होने चाहिए इसमें वो भी बता देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पे क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछ लो साइड में टाइम में, जो उस पर क्लिक करके सपोर्ट कर देना, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं उन्हें भी देख सकते हो और सपोर्ट भी कर सकते हो। हाँ वही 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 वाला, और इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, चलता हूँ, और भी बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं, प्लान करनी है, आप लोग के आंसर्स भी देने इंस्टाग्राम पे। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।